कक्षा 10वीं के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये आपकी विज्ञान का केमिस्ट्री वाला पोर्शन होगा, आप तो जानते ही हैं। और इसके पहले के चैप्टर देखने के लिए आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं या चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर विजिट कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से समझेंगे। देखो, रटना एक अलग बात होती है, समझ के खुद से लिखना, खुद से याद करना एक अलग बात होती है। जितना अच्छा आपका 10वीं में लेवल रहेगा, जितनी अच्छी आप साइंस समझोगे, 11वीं में जाओगे दिक्कत नहीं होगी, 12वीं में जाओगे दिक्कत नहीं होगी। तो ये बेसिक चीज़ें रहती है हमारी छोटी क्लासों में, तो इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बन का सामान्य परिचय। तो हेडिंग लगा लो सभी बच्चे। तो कार्बन का सामान्य परिचय हमने लिख लिया है। अब हेडिंग लगाने के बाद कार्बन के बारे में कुछ एक चीजें, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो तो वैसे इंट्रोडक्शन वाला होने वाला है, कार्बन के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। देखो, कार्बन से मिलके आपने आसपास क्या देखा है जो कार्बन से मिलके बना होता है? देखो, जैसे आपने कोयला देखा होगा, क्या देखा होगा? कोयला। कोयला किससे मिलकर बना होता है? कार्बन से मिलके। जैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सुना है जो हम अपनी नाक से छोड़ते हैं, वो भी क्या है? कार्बन से मिलके बनी है। जैसे हमारी रोटी जो हम खाते हैं वो भी किससे है? कार्बन से मिलके बनी है। अधिकतर यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं जो हमारे आसपास। पता करना है कि कोई भी चीज कार्बन से मिलके बनी है या नहीं बनी है, तो एक ट्रिक याद रखना, कोई भी चीज जिसको जलाने से वह काली पड़ जाती है, समझ जाना कि वो कार्बन से मिलके बनी। किसी भी वस्तु को जो आसपास आपको दिख रही है उसको जलाओगे और अगर वो काली पड़ गई, मतलब उसका रंग काला हो गया, तो ये समझ लो कि वो कार्बन से मिलके बनी है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये चीजें कार्बन से मिलके बनी होती हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, ऐसे तो सारी चीजें कार्बन से मिलके बनी है। तो आंसर है हाँ, बहुत सारी चीजें, असंख्य चीजें कार्बन से मिलके बनी होती है। तो ये हमने यहाँ पे इतना लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर, बहुत कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो उसमें से जो कार्बन है उसका स्थान छठवां रखा गया है, मतलब उसका जो परमाणु क्रमांक है उसका 6 नंबर है। इसका मतलब क्या है? आपने देख लिया कि हाँ 6 नंबर है, रट लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर इसका परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ये तो आपको पता होगा, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, दूसरे कोश में 8, लेकिन इसका 6 है। इसका मतलब है कि इसमें पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, दूसरे कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? तो परमाणु क्रमांक इसलिए इसका 6 बना दिया गया क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके पास? कार्बन के पास। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे कोई आपसे कहे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? आपने पढ़ा 8। तो अब इसका मतलब आप समझ गए कि ऑक्सीजन का जो परमाणु होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सीधी सी बात है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। परमाणु के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है। अब आ जाओ इस नाभिक पे, ये क्या बना हुआ है? नाभिक। इस नाभिक में दो चीजें होती हैं,
कौन कौन सी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी से परमाणु भार डिसाइड होता है। इस परमाणु का पूरा वजन कौन निर्धारित करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु भार। लेकिन ये प्रोटॉन कितने होते हैं? तो आंसर है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, बिल्कुल उसी के बराबर प्रोटॉन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश यानी कि माइनस चार्ज, और प्रोटॉन होता है धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो जितने ऋण आवेश होंगे उतने ही बराबर मात्रा में धन आवेश होने चाहिए, क्योंकि परमाणु जो होता है उस पे ना तो धन होता है ना ऋण होता है। परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन। इसलिए जितने माइनस उतने प्लस, तो बराबर बराबर हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस को कैंसिल करता है। इसी तरीके से 6 माइनस होंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो ये आपस में इनका जो नेट चार्ज होगा वो तो जीरो हो जाएगा। कुल चार्ज, कुल आवेश कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जो है उदासीन है। परमाणु भार कितना होता है? परमाणु भार कौन डिसाइड करता है? चलो बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे, और प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और न्यूट्रॉन की संख्या ये हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है? न्यूट्रॉन की संख्या तो वो निकाल सकते हैं, कैसे अभी बताएंगे आपको। देखो, परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब है कि कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलो यहां आ जाओ वापिस। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। कार्बन के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन भी कितने हैं? वो इसकी संख्या के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। अब एक बात याद रखना हमेशा कि इसमें न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभी बताएंगे कैसे निकाल लिया होगा, लेकिन अभी याद रखो इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 6, तो प्रोटॉन भी 6, और साथ में न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6। लेकिन मैंने आपको बताया कि परमाणु का भार कौन डिसाइड करता है, इस परमाणु का वजन कौन डिसाइड करता है? तो इस परमाणु का वजन डिसाइड करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो यहां पे आप देखो कि अगर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आप जोड़ दो तो भार डिसाइड हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है बताओ? 6। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। तो 6 प्लस 6 कर दो, कितना आ गया? 12। तो कार्बन का जो परमाणु भार है, यहां पे मैं लिख देता हूं, तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना आ गया? 12। कैसे पता चला? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देके। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। चलो, एक बात पता चल गई। आगे और समझते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे? जैसे अपन को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके 12 है। अब जैसे अपन को पता चल गया कि चलो परमाणु का वजन 12 होता है, परमाणु का वजन 12 होता है, लेकिन अपन को ये भी तो पता है कि वजन किन से मिलके बनेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अपन को पता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। तो इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 12 माइनस 6 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 ही बचेगा। मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अभी तो फिलहाल आपको न्यूट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं, अगर नहीं भी, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो अभी तो याद कर सकते हो, क्योंकि कार्बन का पूरा चैप्टर है। प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दोगे तो टोटल इसका भार बन जाएगा जो कि 12 होता है। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। अब इसका संकेत क्या होता है? संकेत मैं यहां लिख दे रहा हूं, बस ध्यान रखना उस चीज को। इधर देखो, संकेत यानी दर्शाते किससे हैं? सी, और इधर लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, और इधर लिखा जाता है ऊपर भार। भार कहाँ होता है? ऊपर, ऊपर लदा होता है ना भार। तो ऐसे ट्रिक बना लो कि कार्बन के ऊपर उसका भार लदा है, नीचे उसका स्थान यानी कि क्रमांक। तो ये जो है, ये इस तरीके से अपन कार्बन को प्रेजेंट करते हैं पूरी तरीके से
तो ये चीज याद रखना कि कार्बन को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्लियर हो रही है ना सब बातें? कमेंट करके जरूर बताना कि सर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हम सब मिटा सकते हैं। अब जो नोट करना है वो इस तरह लिखते जा रहे हैं, ये नोट कर लेना पूरा का पूरा। और इसके बाद मैं फोटो लगा दूंगा कि किस तरीके से लिखना है, तो नोट्स की फोटो लगा दूंगा इसी वीडियो में, तो आप देख लोगे, ठीक है? और लिख लेना वीडियो के एंड में। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, इसका ये क्या है बताओ? ये प्रदर्शन है, ठीक है? ये क्या है? प्रदर्शन। तो आप इस चीज को लिखोगे कि ये है प्रदर्शन, इसको ऐसे प्रदर्शित हम करते हैं। कार्बन से मिलकर यौगिक भी कुछ होते हैं, जैसे कि CO2 वगैरह, ठीक है? CO2 होता है, और फिर एथेनॉल, मेथेनॉल वगैरह, ये तो कार्बन के हाइड्रोकार्बन है, जिनको बड़े डिटेल से समझेंगे, अभी उतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से। इसके कुछ कार्बन के कुछ अपर रूप होते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। अपर रूप में एक आता है फुलेरीन, फुलेरीन। दूसरा आता है ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट, ये समझना, इस ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? चालक। कभी कभार एग्जाम में MCQs में पूछ लिया जाता है, तो विद्युत का चालक, ये विद्युत का कैसा होता है? चालक होता है फुलेरीन, नहीं ग्रेफाइट, ठीक है? विद्युत का कैसा होता है? चालक। इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं दो, दूसरे कोष में 8 जाने चाहिए, लेकिन इसका क्रमांक ही 6 है टोटल, तो 2 हो गए, 4 और बचे, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखते हैं, 2, फिर दूसरे कोष में 8, फिर तीसरे कोष में भी 8, फिर चौथे में 18, पांचवे में 18 और फिर 32, ऐसे लिखते हैं। लेकिन उतने होने भी तो चाहिए, यहाँ पे कितने हैं? केवल 2, 6 है टोटल, तो 2, और दूसरे कोष में 2 जाते हैं तो 2 भर गए। उसके बाद दूसरे कोष में 8 जाते हैं, लेकिन अब उसके पास होने भी तो चाहिए, कार्बन के पास टोटल 6 हैं, तो 2 भर गए, 4 और बचे, तो ये दूसरे कोष में 4 भर देते हैं, तो ये बाह्यतम कोष कहलाता है। और बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और पूरा का पूरा कार्बन का परिचय। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कार्बन से मिलकर बनने वाले कोई चार यौगिक यहाँ पे लिख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी फोटो लगा देंगे, और ये सेकंड क्वेश्चन। तो ये कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना? इसको आप लिख सकते हो, दूसरा हो गया मीथेन, इसे हम मेथेन भी कहते हैं, इसके बाद मीथेन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये धान के खेतों में पाई जाती है, धान के खेतों से निकलती है, याद रखना, कभी कभार MCQs में पूछ लिया जाता है, धान के खेतों से निकलती है, ठीक है? इसके बाद ये हो गया CH4, C2H5OH, ये है एल्कोहल, एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसे, शराब का सूत्र है शराब, एथिल एल्कोहल, ठीक है? याद हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो गया। एसीटिक अम्ल CH3COOH, इसमें भी कार्बन है, देखो सभी जगह कार्बन है, तो कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं। तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? नीचे मैं कैमरा कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखेगा। ओके तो ये क्या है? CH3, ये एसीटिक अम्ल कहलाता है, एसीटिक अम्ल। तो ऐसे चीजें आपको
याद हो जाएगी बहुत जल्दी जल्दी, तो इनको लिख लो अच्छे से, ठीक है? तो लिख लिया होगा आपने, उम्मीद है। तो बस अब मैं यहाँ पे नोट्स की फोटो दे रहा हूँ, तो वो भी आप नोट कर सकते हो, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना जरूर कि सर अच्छा लग रहा है, समझाइए इसी तरीके से, तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।